अस्सलाम वालेकुम, हमारा कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तजावजात के खिलाफ मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी में बहुत सी इमारतें मसमार की जा चुकी हैं और आज सबसे ऊंची इमारत को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी व्हीकल मशीन को लाया गया ताकि ऊंची इमारत को बासानी डिमोलिश किया जा सके। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पिछले पीर को स्टार्ट किया गया था और ताहाल जारी है मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी में। डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम ने पूरे इलाके का जायज़ा लिया और साथ ही मुजाहिद कॉलोनी और वाहिद कॉलोनी के मेन रोड पर दो मसाजिद भी आ रही हैं जिनको शहीद किया जाएगा या नहीं इसके मुतालिक डिप्टी कमिश्नर ने वाज़े तौर पर बता दिया। आज नोटिस जो के डी ए की जानब से जारी किए गए थे उसकी बयात पूरी हो चुकी है, तो क्या आपको कोई मजामत का भी सामना करना पड़ा? देखिए सारी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे और हमने सबसे पहले रोड्स को प्रेफरेंस दी है के डी ए के साथ मिलकर। जो जो रोड्स हैं अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये 150 फीट की रोड है जो कि 40 फीट गाड़ी है, तो दोनों साइड पर तकरीबन 100 फीट हमने 110 फीट हमने बागुजार कराना है। 80% काम हो गया है, लोग हमारे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एजुकेशन तो आती है क्योंकि ये एक दिलखराश काम होता है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और हमारी ड्यूटी है तो हमें करना पड़ता है। और के डी ए, डी एम सी, के एम सी, एंटी इन्फोर्समेंट पुलिस, पुलिस, रेंजर्स सारे ऑन बोर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे जा रहे हैं और अब अपने आखिरी मरहले में। अच्छा सलीम साहब, दो मसाजिद भी जो हैं वो आपके इस राह में हैं, क्या इनको भी शहीद किया जाएगा या इसके लिए आपने कोई इनको कमेटी को कोई वार्निंग वगैरह दी हुई? हम लोगों की बातचीत चल रही है कमेटी के साथ भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ द लैंड होना है। हम देखेंगे कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही हैं, अगर नहीं आती हैं इन्फोर्समेंट में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आ रही हैं तो फिर के डी ए के साथ मिलकर देखेंगे। बस थैंक यू। और इस बुलंद बाला इमारत की छत गिरते ही आवाम के हजूम ने तालियां बजाना शुरू कर दी। इन तमाम तजावजात को के डी ए के आला हुकाम और के एम सी के सीनियर डायरेक्टर इमरान अहमद राजपूत की जेर सरबराही ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर जैनब जहादाद और एंटी इंक्रोचमेंट टीम ऑपरेशन को हतमी मरहले तक पहुंचाने में पेश पेश हैं। ये थी तजावजात के हवाले से अपडेट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अतराफ की। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।